ये ओवेरियन टिश्यू फ्रोजन सेक्शन के लिए आया है। ये एक पेशेंट अभी 2 ईयर ओल्ड अनमैरिड लेडी है जिसका एक काफी ह्यूज लेफ्ट ओवेरियन मास है और पेट सिटी में एफडीजी एविट दिखाया गया है जो सजेस्ट करता है कि ये मैलिग्नेंट हो सकता है। ये फ्रोजन सेक्शन से पता लगाना चाहते हैं कि अगर मैलिगेंसी है तो ये सिर्फ यूट्रस ओवरी ट्यूब ना निकाल के ओमेंटम लिम्फ नोड्स और बाकी एक्सटेंडेड ऑपरेशंस करेंगे बेस्ड ऑन फ्रोजन सेक्शन डायग्नोसिस। फ्रोजन सेक्शन के लिए टिश्यूज को फ्रेश रिसीव किया जाता है, उसको किसी भी फिक्सेटिव में नहीं डाला जाता है। इस टिश्यूज के हम छोटे सेक्शंस लेंगे और इसको फिर हम क्रायोस्टेट में चक के ऊपर डाल के फ्रोजन सेक्शन की प्रोसीजर शुरू करेंगे। ये क्रायोस्टेट मशीन है जिसमें हम फ्रोजन सेक्शन करते हैं और ये सेक्शन हमने 5 लिए हैं अभी ओवेरियन टिश्यू से। इसे क्रायोजेल डाला जा रहा है और इसके ऊपर स्पेसिमेंस चक के ऊपर रखे जाएंगे। ये -20 डिग्री सेल्सियस पे अभी ये दिखा रहा है हमें, -22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है। ये टिश्यूज अभी आप देख रहे हैं ये चक पे रखे जा रहे हैं फ्रीज होने के लिए। ये हमने 5 सेक्शंस लिए हैं चक पे टिश्यू रखने के बाद, उसके ऊपर क्रायोजेल डाला जाता है जो एक मीडियम है जो उसको फ्रीज करने में हेल्प करता है। इसके अंदर ही ये माइक्रोटोम अंदर ही फिक्स है। ये ब्लेड आपको दिखाया जा रहा है। ये टिश्यू क्रायोस्टेट में फिक्स किया जा रहा है। चक के ऊपर रख के इसे हम फ्रीज कर रहे हैं। इसके ऊपर दोबारा क्रायोजेल डाला गया है ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए और उस पर फिर हमें कटिंग में सहूलियत हो। ये अभी आप देख रहे हैं कि 5वां टिश्यू भी रखा जा रहा है। ये टिश्यू रिसीव होने से कटिंग होने के बाद क्रायोस्टेट में फ्रीज होने के बाद माइक्रोटोम से कटने के बाद रैपिड स्टेनिंग और रिपोर्टिंग, ये सारा प्रोसीजर हम 12 से 15 मिनट में। ये टिश्यू अब चेक पे फिक्स होने के बाद अब ये माइक्रोटोम से इसकी ट्रिमिंग करी गई है और ब्रश से हमने उसे क्लीन किया है और ये स्पाइरल्स को, टिश्यू स्पाइरल्स को हम यहाँ देख रहे हैं। अब स्लाइड पे लिया जा रहा है। ये एक और टिश्यू स्पाइरल्स को हम ब्रश के जरिए स्लाइड पे ले रहे हैं। उस चक को हटा के दूसरे टिश्यू का चक माइक्रोटोम पे ट्रिमिंग और कटिंग के लिए फिक्स किया जा रहा है। ये आप ट्रिमिंग की प्रोसेस देख रहे हैं जो क्रायोस्टेट मशीन के अंदर ही की जा रही है। सेक्शन की थिकनिंग हम ऊपर से कंट्रोल करते हैं, टच स्क्रीन से सेक्शन की थिकनिंग कंट्रोल करने की इसमें व्यवस्था है।
ये ब्रश के जरिए आप देख रहे हैं दोबारा स्पाइरल्स को टिश्यू पे लिया जा रहा है, ये स्लाइड पे लेके इसे हमने फिक्सेटिव के अंदर डाला है। ये रैपिड स्टेन हो रहा है, ये रैपिड स्टेन की प्रोसेस यहाँ पे की गई है और ये रैपिड स्टेन आप देख रहे हैं। अब ये स्लाइड देखने के लिए रखी जाएगी और ये सारा प्रोसेस जो है टिश्यू आने से लेके रिपोर्टिंग करके हम टेलीफोनिकली सर्जन्स को बताते हैं, ये सारा प्रोसीजर 12 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है।